अभी मैं बिहार के जिला मुजफ्फरपुर में हूं और जैसा कि आपको अभी देखने को मिल रहा होगा लीची। मुजफ्फरपुर का जो लीची है पूरे भारत में फेमस है, ठीक है। तो अभी आप देख सकते हैं लीची ये अंकल बेच रहे हैं और मैं इस रास्ते से गुजर रहा था तो मैंने देखा कि लीची यहाँ पे बिक रहा है। अभी मैं मुजफ्फरपुर में हूँ, थोड़ा सा जानने की प्रयास करते हैं कि कितने वैरायटी का लीची अभी है इनके पास। क्या नाम हुआ आपका? सकल दास। कहाँ से? अभी कहाँ से हैं आप? सकड़ी सरैया से है। मुजफ्फरपुर। अभी क्या है लीची का रेट? क्या है अभी लीची का रेट? अभी 200 रुपये है। कितना? 200 रुपया। 200 में कितना? 100। मतलब 200 में 100 पीस मिलेगा? हाँ। जी। अच्छा, तो ये कौन सा लीची है? ये गुलाबी जो है, ये जो है से चाइनीज है, वो जो है शाही है। तो ये दोनों में क्या अंतर होता है? अंतर होता है कि शाही में वो टेस्टिंग अच्छा रहता है। थोड़ा उठा के उसको दिखाइए, तो उसको उठा के दिखाइए। ये शाही है ना? हाँ, ये शाही है। तो ये थोड़ा सा काला 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 हो गया, जो अंतिम हो गया इसको झड़क मार दिया। अच्छा, ये इसका लास्ट सीजन है? हाँ, लास्ट सीजन है। और ये चाइनीज सीजन है? ये चाइनीज। हाँ, ये चाइनीज है। अच्छा, ये दोनों में टेस्ट कैसा है? दोनों में ये शाही का टेस्ट अच्छा होता है, मीठा एकदम होता है, एकदम खूब मीठा होता है। और वो उसका थोड़ा सा फीकापन आता है। हाँ, लेकिन रेट तो आप उसी का ज़्यादा ले रहे हैं कि इसको अंतिम सीजन हो रहा है, इसलिए उसको झड़क चुका है। झड़क से जल्दी बेचना चाहिए। ज़्यादा दिन हो जाएगा तो खराब हो जाएगा। अच्छा, तो अभी कितना दिन तक चलेगा लीची? ओ, अभी 5-6 रोज चलेगा। अभी 5-6 रोज और चलेगा? चलेगा। हाँ, उसके बाद सीजन कंप्लीट हो जाएगा? हाँ, खत्म हो जाएगा। मतलब बारिश उरिश गिरेगा तो कंप्लीट? हाँ, खत्म हो जाएगा। उसके बाद खत्म हो जाएगा। हाँ। पेड़ में तो अभी नहीं लगा होगा लीची? पेड़ में अभी है, 2-4 दिन और रहेगा पेड़ में है। हाँ, तो आज ही सब लीची टूटा है क्या? जी, अभी आज ही टूटा है। तो टूटने के बाद कितना दिन तक रह सकता है ये? टूटने के बाद 1-2 दिन तक रहेगा। 1-2 दिन? हाँ, 1-2 दिन के बाद खराब हो जाता है? खराब हो जाता है। इसमें पेपर लगेगा, ठंडा पेपर लगेगा तो 6 दिन का। अच्छा, क्या बोले? ठंडा पेपर लगने के बाद 6 दिन तक रहता है। हाँ, पेपर नहीं लगेगा तो काला पड़ जाता है। काला पड़ जाता है और टेस्ट भी खराब हो जाता है। हाँ, टेस्ट भी खराब हो जाता है। अच्छा, तो आप लोग ये लीची कहाँ से लाए? मुजफ्फरपुर से। मतलब किधर है ये, इसका बगान किधर? बगान है यही सकरीय सरैया में है। अच्छा, और यहीं से बैठ के बेचते हैं? हाँ, गाछी में बैठ के बेचते हैं। अच्छा, हर रोज यहीं पे रहते हैं? हर रोज। अच्छा, कितना बेच देते होंगे हर रोज? 10,000। 10,000? 10,000, 15,000 बेच देते हैं। 10,000-15,000 बेचते हैं। अच्छा, तो एक सीजन में कितना कमा लेते होंगे? अब कमाने का छोड़िए ना। नहीं, ऐसे बताइए, अंदाज तो होगा ना कितना सीजन? अंदाज छोड़िए ना, एक सीजन में 10,000 रुपये। हाँ, एक सीजन में 10,000? बस बस, यहाँ 10,000, उससे ज़्यादा नहीं कमा? ज़्यादा नहीं कमा पाते। अरे, हम थोड़ी ले लेंगे आपका पैसा। बोलिए ना सर। तो हम झूठ थोड़ी बोल रहे हैं, हम तो सच ही बोल रहे हैं। सच बोल रहे हैं जी। 10,000 पूरे सीजन भर में हो जाए। पूजी काट के? हाँ, पूजी काट के। हाँ, 10,000 लेबर उबर के काट के सब वो सब होता है। तो जैसा कि अभी देख रहे थे कि अभी हम मुजफ्फरपुर में हैं और मुजफ्फरपुर का जो लीची है पूरे भारत में फेमस है, ठीक है। यहाँ का लीची खाइएगा ना तो बहुत टेस्टी होता है। और अभी ये लीची का सीज़न जो है वो कंप्लीट होने वाला है। मुझे लगता है कि हार्डली 10 दिन तक लीची रहेगा, उसके बाद जैसे ही बारिश शुरू होगा लीची का सीज़न कंप्लीट हो जाएगा। बाकी ये मेरा प्रयास कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छा लगा हो तो मेरे पेज को फॉलो ज़रूर कीजिएगा। अगर आप फेसबुक पे देख रहे हैं, अगर आप यूट्यूब पे देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू एवरीवन।